आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, और आपके मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा कि ये तो डॉक्टर है नहीं, फिर भी इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, ये तो पढ़ाते हैं या फिर ये किसी और प्रोफेशन में है, तो इनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों है? क्या कोई भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है? जी नहीं दोस्तों, कोई भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। उसके लिए आपको PhD की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे PhD क्या है, PhD करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, PhD की फीस कितनी होती है, PhD कोर्स कितने साल का होता है, और PhD करने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम है आयुष और आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुष अरीना पर स्वागत है। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं PhD क्या है, व्हाट इज PhD। तो दोस्तों PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जिसे शॉर्ट में हम लोग PhD कहते हैं। इस कोर्स की जो अवधि होती है ये 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है। PhD जनरली वही लोग करते हैं जिन्हें आगे जाके रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना हो, या फिर जिन्हें अपना टीचिंग में करियर बनाना हो, उसके लिए PhD करना जरूरी होता है। अगर कोई PhD करता है तो वो कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि PhD करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप PhD करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 12वीं में अच्छे से पढ़ाई की हो, उसके बाद आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, उसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हो। ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% और 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें आपके 60% मार्क्स होने ही चाहिए। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 55% भी आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कि आपको PhD करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं, नहीं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको नेट क्वालिफाई चाहिए होता है। नेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको नेट एग्जाम के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिए। PhD करने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकि उसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट होने चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10th के बाद जो सब्जेक्ट लिया उसी में आप 11th 12th पढ़ाई करें, उसी में से कोई सब्जेक्ट लेके आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें, और उसी में से कोई सब्जेक्ट लेके आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट को कई सालों तक पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपको जाके बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि PhD कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों PhD कोर्स की जो फीस है ये बहुत ज़्यादा वैरी करती है। ये डिपेंड करता है कोर्स ड्यूरेशन पे, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे कि आप कितने साल का PhD का कोर्स कर रहे हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किस जगह पे PhD का कोर्स कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अनुमान बताता हूँ, जो PhD का कोर्स होता है ये आपको 15,000 रुपये से लेके 2,00,000 रुपये तक एक साल की इसकी खर्च हो सकती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये बिल्कुल फ्री में ये कोर्स करने को मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिलती है जिसके थ्रू ये वो कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेट GRF क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने नेट वाले वीडियो में GRF के भी बारे में बताया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप नेट GRF क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको PhD करने के लिए खुद के पास से 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसे देगी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आपको अमाउंट मिलती है। मैं अगर अमाउंट की बात करूँ तो आपको 30,000 से 35,000 रुपये हर महीने दिया जाता है, ताकि आप रिसर्च में अपना करियर बना सको। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि PhD करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों PhD करने के कई सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है, जो कि आप सभी को दिखता होगा, कि अगर कोई PhD कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह हो गई। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि PhD करने के बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शन है आपके पास, तो दोस्तों आपके पास करियर ऑप्शन की कमी नहीं है। सबसे पहले अगर आप PhD कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि आप किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकते हैं वहाँ पर, और उसके साथ साथ आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। और आप अगर जिस सब्जेक्ट से आपने PhD किया है उस सब्जेक्ट में आप रिसर्च में भी जा सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, और इसमें आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है।
तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएचडी करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।